जय हिंद दोस्तों। दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं असम पुलिस कांस्टेबल ABUB एंड सब इंस्पेक्टर यानी कि SI अनआर्म्ड ब्रांच ऑनलाइन फॉर्म 2021-2022 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको भर्ती की एलिजिबिलिटी और अप्लाई लिंक के ऊपर आने के लिए क्या करना है, आपको गूगल के अंदर जॉब्स ज्ञान सर्च करना है, फिर आपको यहाँ पर हमारी वेबसाइट jobsgyan.in को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आप यहाँ पर टुडे बेस्ट जॉब में या फिर रिसेंट पोस्ट में देखेंगे असम पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2022, ये पोस्ट आपको ओपन करनी है। पोस्ट ओपन होने के बाद आपके सामने भर्ती की संपूर्ण जानकारी आ जाएगी, जैसे कि ये भर्ती आपकी 2134 पद पर निकाली है। कांस्टेबल ABUB के आपके पद है, इसमें आपकी जो एज लिमिट रहेगी वो भी आप यहां पर देख सकते हैं। इसके अलावा आप लोग इस फॉर्म को 9 जनवरी 2022 तक भर पाएंगे। कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है और उस पर आपको क्या सैलरी दी जाएगी वो भी आप यहां पर चेक कर सकते हैं। तो आपको सभी जानकारी को चेक करके नीचे आकर के अप्लाई ऑनलाइन लिंक इसके ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा बायजूस एग्जाम प्रिपरेशन ऐप के बारे में, जो कि आपके लिए लेकर के आया है नॉलेज बैटल चैंपियनशिप। और ये नॉलेज बैटल चैंपियनशिप आपके लिए प्रेजेंट कर रहा है डिफेंस कैटेगरी। डिफेंस कैटेगरी से जो भी जुड़े हुए कैंडिडेट है या फिर डिफेंस कैटेगरी में जाने की सोच रहे हैं उनके लिए यहाँ पर एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपनी नॉलेज को बेहतर करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर होगा बैटल फॉर द बेस्ट, यानी कि बेस्ट में से बेस्ट जानकारी आपको दी जाएगी। तो अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानकारी जाननी है तो आपको एक सिंपल सा काम करना है, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, आपको ये चैनल ज्वाइन करना है। यहां पर आपको इसके बारे में संपूर्ण जानकारी जानने को मिलेगी। ये आपकी चैंपियनशिप 13 दिसंबर शाम 6 बजे से स्टार्ट हो रही है, तो जल्दी से जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और इस चैंपियनशिप को ज्वाइन करके यहाँ पर अपनी नॉलेज को अच्छे से बेहतर कर लीजिए। तो जैसा कि मैंने कहा, जल्दी से जाइए और ज्वाइन कर लीजिए। अप्लाई ऑनलाइन लिंक के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर नीचे आना है और अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना होगा, आपको रजिस्टर नाउ के ऊपर क्लिक करना है, क्योंकि रजिस्टर नाउ के ऊपर क्लिक करने के बाद पहले आपको इसमें अपना अकाउंट क्रिएट करना है। तो इस तरफ आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कैंडिडेट नेम, आपको आपका नाम 10th की मार्कशीट के अनुसार एंटर करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर आपका फादर नेम एंटर करना है, देन आपको यहाँ पर आपकी मदर्स का नेम एंटर करना है, फोन नंबर आपका जो भी है वो यहाँ पर आप डाल दीजिए, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज नंबर यानी कि जो एम्प्लॉयमेंट ऑफिस के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन है उसका नंबर आपको देना होगा और ये कंपलसरी है। इसके बाद हाइएस्ट क्वालिफिकेशन, आपकी हाइएस्ट क्वालिफिकेशन कौन सी है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। ये सिलेक्ट करने के बाद परमानेंट डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट करनी है, इसमें असम के परमानेंट रेसिडेंट ही अप्लाई कर पाएंगे, तो आपको यहां पर वो सिलेक्ट करना होगा। जेंडर आपका क्या हो यहां से आपको सिलेक्ट कर लेना है, फिर आपकी कास्ट कैटेगरी कौन सी है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसमें सभी कैटेगरी कैंडिडेट बिना किसी एप्लीकेशन फीस के अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद दोस्तों आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ हो, डेट ऑफ बर्थ आपको यहां पर सिलेक्ट करनी है, पहले ईयर, फिर इसके बाद में मंथ और यहां पर डे, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। अब आपको यहां पर टिक करना है और जो भी जानकारी आपने भरी है इनको अच्छे से चेक करके आपको नीचे रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। रजिस्टर के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके नंबर पर एक OTP गया है, वो OTP यहाँ पर आपको डालना है और फिर सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको आपकी जो रिक्रूटमेंट ID है वो मिल चुकी है, आपको इस ID को कॉपी कर लेना है क्योंकि ये बहुत ही कंपलसरी है। आपको वैसे ID मैसेज के माध्यम से भी सेंड कर दी गई है। अब आपको यहाँ पर गो टू लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। गो टू लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद जो ID मिली है वो यहाँ पर डालिए और जो आपका फोन नंबर है वो यहाँ पर एंटर कीजिए, फिर जो आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो सेलेक्ट करनी है और आपको फिर लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर दोस्तों आप लोग देखेंगे कि आपका सब इंस्पेक्टर यानी कि SI का फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है। आपको अप्लाई का लिंक दिया है, जो आपकी कांस्टेबल की पोस्ट है AB एंड UB के लिए, उसके फॉर्म आपके 11 दिसंबर 2021 शाम 5 बजे से स्टार्ट होंगे। तो चलिए अब आपको यहाँ पर अप्लाई के ऊपर क्लिक करना है। अप्लाई के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जहां पर आपसे पूछा कि क्या आपके पास NCC सर्टिफिकेट है, अगर है तो
यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। फिर दोस्तों यहाँ पर अगर आप यस करते हो तो आपको जो आपका एनसीसी का सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना होगा। अगला सवाल पूछा कि क्या आपके पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है, अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। अगर आप यस कर रहे हो तो आपको उसका सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है। डू यू हैव होम गार्ड सर्टिफिकेट, अगर हाँ तो यस कीजिए, और फिर अगर यस करोगे तो उसका सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है। देन आपको यहाँ पर नीचे इन सभी को यस नो में आंसर करके आपके एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग सेव एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सिलेक्ट के सामने क्लिक करना है और फिर सेव एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। फिर दोस्तों आपके सामने आता है स्टेप थ्री, तो यहाँ पर आपको प्रेफरेंस में सब इंस्पेक्टर सिलेक्ट कर लेना है और फिर इसके बाद फिर से सेव एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। अब आती है आपके सामने यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस, तो बेसिकली आपको बोला है कि अपलोड डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पर है कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर अपलोड के ऊपर क्लिक करके जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, अगर आप इस फॉर्म को एससी एसटी ओबीसी से भर रहे हो तो उसका सर्टिफिकेट अपलोड करना है। यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि आपके डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट जेपीईजी जेपीजी पीएनजी का और 300 केबी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसके बाद आता है परमानेंट रेसिडेंटल सर्टिफिकेट, यानी कि जो आपका निवास प्रमाण पत्र है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। तो आपको अपलोड के ऊपर क्लिक करना है और जहाँ पर भी आपका सर्टिफिकेट है वो फाइल आपको सिलेक्ट करके यहाँ पर अपलोड करनी है। फिर दोस्तों आपके सामने एज प्रूफ, एज प्रूफ में दोस्तों आप लोग 10th की मार्कशीट अपलोड कर दीजिएगा। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सर्टिफिकेट, ये आपको यहाँ पर अपलोड करना है। फिर आता है फोटो, फोटो का साइज 450 केबी से कम ही रखा है तो आपको अपलोड के ऊपर क्लिक करना है और जहाँ पर आपका फोटो है वो आपको सिलेक्ट करना है। तो चलिए मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करता हूँ, ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आपका फोटो आ जाएगा, आपको अपलोड के ऊपर क्लिक करके इसको अपलोड कर देना है। इसके बाद है आपका सिग्नेचर, सिग्नेचर का साइज 100 केबी मैक्सिमम साइज दिया है तो आपको अपलोड के ऊपर क्लिक करना है और जहां पर आपका सिग्नेचर है उसको सिलेक्ट करके यहां से ओपन कर लेना है। फिर आपको अपलोड के ऊपर क्लिक करना है तो ये सिग्नेचर भी आपका अपलोड हो जाएगा। देन आपको यहां पर नीचे आना है और आपकी जो पर्सनल डिटेल है वो यहां पर दी गई है, कुछ जानकारी अभी आपको भरनी है, जैसे कि आपका रिलीजन क्या है, सॉरी आपकी नेशनलिटी क्या है, वो नेशनलिटी आपको यहां पर सिलेक्ट करनी है। फिर आपको आपका रिलीजन सिलेक्ट करना है, ईमेल एड्रेस आपका जो भी है वो यहां पर डाल दीजिए, एडिशनल फोन नंबर जो आपने नंबर यहां पर एक दिया है इसके अलावा कोई और नंबर देना चाहते तो यहां पर दे दीजिए, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर दोस्तों आता है आपका परमानेंट एड्रेस, तो जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है वो एड्रेस आपको यहां पर फिलअप कर देना है। देन नीचे आपको पुलिस स्टेशन देखने को मिलेगा, आपको आपका नज़दीकी पुलिस स्टेशन सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका स्टेशन पड़ता है, पिन कोड यहाँ पर आपको डाल देना है और इस तरफ है कॉरेस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस, तो अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर टिक कर दीजिए। टिक करने के बाद दोस्तों आपको नीचे सेव एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। सेव एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्वालिफिकेशन की जानकारी आ चुकी है, तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है कि आपने किस बोर्ड से की है, एससी बीए सीबीएसई या फिर अदर, तो आपका जो बोर्ड है वो सिलेक्ट कर लीजिए, अगर इनमें से है तो सिलेक्ट कीजिए, नहीं तो अदर्स के ऊपर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद दोस्तों यहां पर ईयर ऑफ पासिंग, आपने कौन से ईयर के अंदर पास किया है वो ईयर आपको यहां पर सिलेक्ट करना है, परसेंटेज आपकी कितनी थी वो यहां पर आपको एंटर करना है, अगर आपके नंबर सीजीपीए के अंदर थे तो आपको उनको परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करके यहां पर लिखना होगा। फिर दोस्तों आपको अपलोड के ऊपर क्लिक करके जो आपकी 10th की मार्कशीट है वो यहां पर अपलोड करनी है, तो यहां पर इस तरह से सिलेक्ट कर लीजिए और फिर अपलोड के ऊपर क्लिक करके इसको अपलोड कर दीजिए। देन यहां पर दोस्तों नीचे आपको 12th की जानकारी देखने को मिलेगी, आपको यहां पर सेम वे में आपका बोर्ड सिलेक्ट करना है, फिर आपको स्ट्रीम में बताना है कि आपका स्ट्रीम क्या था, कौन से ईयर के अंदर आपने पास कर ली थी वो आपको बताना है, परसेंटेज आपकी क्या थी वो यहां पर लिख देनी है और इसके बाद आपको आपकी 12th की मार्कशीट अपलोड करनी है। ये अपलोड करने के बाद दोस्तों यहां पर आपको नीचे देनी है ग्रेजुएशन की जानकारी, तो आपको क्या करना है, आपको यहां पर नीचे आना है और फिर आपको यहां पर आपकी यूनिवर्सिटी का नाम दे देना है। इसके बाद है कोर्स, तो कोर्स आपका इनमें से कौन सा है वो आपको यहां पर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों ईयर पासिंग, आपने कौन से ईयर के अंदर पास कर ली थी वो ईयर आपको यहां पर एंटर करना होगा, फिर आपको परसेंटेज एंटर करनी है और इसको एंटर करने के बाद आपको यहां पर आपका जो सर्टिफिकेट है ग्रेजुएट का वो अपलोड करना है। देन आपको नीचे सेव एंड प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करना है। अब यहां पर आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है, आपको सभी जानकारी को अच्छे से चेक कर लेना है, अगर आपको लगता है कि कहीं पर कोई जानकारी गलत है तो आपको बैक के ऊपर क्लिक करके उसको सही कर लेना है और अगर लगता है कि सभी जानकारी सही है तो आपको यहां पर कंफर्म के ऊपर क्लिक करके यहां से यस कर देना है।
यस करने के बाद दोस्तों जो आपका फॉर्म है वो यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद आपके सामने यहाँ पर आपका डैशबोर्ड इस प्रकार से आ जाएगा। तो आप लोग इस प्रकार से असम पुलिस सब इंस्पेक्टर ऑनलाइन फॉर्म 2021-2022 को भर पाओगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। अगर आया है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।